ये तस्वीरें देखिए, ये वेस्ट बैंक से आई ताजा तस्वीरें और वीडियोस हैं। यहाँ जो कोहराम मचा है गाजा से कम नहीं। वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें कम पड़ गई हैं, तो ये वीडियो देखिए। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी गुटों के बीच जंग चल रही है। ये है वेस्ट बैंक का तुलकरम इलाका और एक गली में फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच गोलीबारी चल रही है। तभी एक बम फटता है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में शुरू कर दिया है ऑपरेशन एनाकोंडा। वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है बड़ा युद्ध। इस युद्ध में 6 फिलिस्तीनी सैनिक मारे गए हैं, जबकि गोलीबारी में एक महिला मेडिकल कर्मी, उसकी भी मौत हुई है। इसराइल के ऑपरेशन एनाकोंडा में इस वक्त पूरा वेस्ट बैंक जकड़ा जा चुका है। इजरायली सेना की गाड़ियां इस वक्त पूरे वेस्ट बैंक में घूम रही हैं। उत्तरी वेस्ट बैंक में तुलकरम कैंप के आसपास सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। यहां फिलिस्तीनी संगठन हमास और फतह से जुड़े 4 लोग मारे गए हैं। तुलकरम इस वक्त वेस्ट बैंक का रफा जैसा वॉर जोन बन चुका है। जिस तरह के इजरायली हमले गाजा के रफा कैंप के आसपास हो रहे हैं, कभी 80 तो कभी 100 से भी ज्यादा लोगों की जान जा रही है। ठीक वैसा ही ऑपरेशन अब इसराइल ने वेस्ट बैंक के तुलकरम इलाके में चला दिया है और इसका नाम है ऑपरेशन एनाकोंडा। गोलियों की बौछार, बारूदी सुरंगों के धमाके और गलियों में गोलीबारी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। इसराइल का दावा है कि तुलकरम में हमास के प्रमुख अशरफ नफा को ऑपरेशन एनाकोंडा में मार दिया गया है। इसराइल का कहना है कि अशरफ नफा वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों पर हमलों की साजिश रच रहा था। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना को क्या नुकसान उठाना पड़ा वो भी देखिए। ये पहली तस्वीर है। ये दूसरी तस्वीर और ये है तीसरी तस्वीर। तस्वीरों में इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट किया गया, उन्हें जला दिया गया। लेकिन इस कोहराम के बीच वेस्ट बैंक पर गाजा जैसी आफत टूट पड़ी है। सवाल उठ रहा है कि क्या इजरायल अब वेस्ट बैंक को दूसरा गाजा बनाना चाहता है? वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बड़ा है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनी है। यहीं से इजरायल को अब 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा सता रहा है। गाजा के बाद अब इसराइल की सेना वेस्ट बैंक को टारगेट कर रही है। गाजा में 39,000 लोगों की मौत के बाद वेस्ट बैंक में बहुत गुस्सा है। ये भी फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक वेस्ट बैंक में 589 फिलिस्तीनी लोग मार दिए गए। यही इसराइल का ऑपरेशन एनाकोंडा है जिसमें 142 बच्चों की भी जान गई। ये वाकई बहुत ज्यादा डराने वाले आंकड़े हैं। ये ऑपरेशन गाजा में बमबारी के साथ साथ जारी है, लेकिन गाजा की चीखों के बीच ये आंकड़े कहीं छुप जाते हैं। لمن نتكلم ولمن نحكي اللسان عجز عن الكلام اطفال تصرخ شيوخ تصرخ تصرخ نساء تصرخ هل هناك من يلبي النداء هل هناك من مستجيب لا احد العالم صامت والعرب صامتين وكل كل العالم ضد الشعب الفلسطيني يحاولون أن ينهوا القضية الفلسطينية لكن نقول لهم والله مهما دمرتم ومهما قتلتم نحن صامدين على هذه الأرض الأرض أرضنا على هذه الأرض ما يستحق الحياة ये पूरी दुनिया जानती है कि वेस्ट बैंक कहने को तो फिलिस्तीन में है, लेकिन उसके बड़े हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा है। इसराइल धीरे धीरे अपने लोगों को वेस्ट बैंक में बसा रहा है ताकि वो फिलिस्तीनियों को कंट्रोल कर सके और उनके इलाके वेस्ट बैंक और इसराइल के बीच बफर जोन के रूप में भी काम करें। फिलिस्तीन इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है गाजा जहां इसराइल का युद्ध चल रहा है, लगातार बमबारी हो रही है, और एक इलाका पूर्व में है जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। यहीं पर फिलिस्तीन के बड़े शहर जैसे हेब्रॉन, रमल्लाह, जेनीन और जेरिको जैसे शहर हैं। इन शहरों पर कहने को फिलिस्तीन की सरकार की हुकूमत है, लेकिन असलियत यह है कि इजराइल इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर रहा है। फिलिस्तीन
फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इस अस्पताल के बाहर एक के बाद एक एम्बुलेंस फ्लैश लाइट जलाकर पहुंचती है। पहली का दरवाजा खुलता है तो एक लाश निकलती है, इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस, उसका दरवाजा खुलता है तो दो लाश निकाली जाती हैं। अस्पताल में तीसरी एम्बुलेंस आती है तो जैसे हाहाकार मच जाता है। ये एम्बुलेंस एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लाशें लेकर अस्पताल पहुंचती है। इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद से वेस्ट बैंक में भी गाजा जैसी आग लगी हुई है। वेस्ट बैंक की गलियों में इस वक्त युद्ध के हालात हैं। هذا الدمار اللي بكون فيه هاي هذا الاحتلال وهاي حكومة الاحتلال منذ سنة 1948 وهم يمارسون هذه الجريمة اتجاه الشعب الفلسطيني، اتجاه الأرض الفلسطينية، اتجاه الممتلكات الفلسطينية، اتجاه كل شيء على هذه الأرض، حتى تصبح هذه الأرض عزلاء كالصحراء. لكن أصحابها منذ 48 عاما 76 عاما وهم يقاتلون وهم يدافعون عن هذه الأرض. ये वेस्ट बैंक के जेनिन का इलाका है। यहाँ आए दिन इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन होता है। वेस्ट बैंक के तुलकरम का अस्पताल देखिए, यहाँ इसराइल की आर्मी ने अस्पताल के एंट्री गेट पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। कुछ ही पल में यहाँ जैसे हाहाकार मचने लगा, अफरा तफरी मच गई। गाजा में इसराइल के विमान तबाही मचा रहे हैं, हजारों टन बम गिराए जा चुके हैं। इजरायली हमले के बाद गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है, तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में ऑपरेशन एनाकोंडा जारी है। आज पूरी दुनिया में इस युद्ध की चर्चा हो रही है। युद्ध को लेकर दुनिया दो धड़ों में बट गई है। एक धड़ा वो है जो इसराइल की इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, तो दूसरा वो है जो इसे फिलिस्तीनियों पर जुल्म बता रहा है। गाजा के साथ ही इसराइल वेस्ट बैंक पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वेस्ट बैंक में इसराइल के ड्रोन से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। تفرجي يعني شوارع محلات دور بحاول تدمير البنية التحتية في المخيمات على أساس إنهم يهجروا الناس من المخيمات يعملوا هجرة زي هجرة 48 أو 67 لكن والله لا والله لنظلنا صامدين على هذه الأرض والله لنظلنا صامدين نحقق إن شاء الله تحرير أرضنا وتحرير وطننا بإذن الله سبحانه وتعالى یہ بات ظاہر ہے کہ غازہ کے بعد اسرائیل کے نشانے پر اب ویسٹ بینک ہے क्योंकि गाजा में हमास से निपटने के साथ साथ इसराइल अब वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है। लेकिन वक्त के साथ इस युद्ध में और खून बहने वाला है, तस्वीरें यही साबित करती हैं।